ये है दाल मखनी, सो इट्स ऑल अबाउट बटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर होने वाली डिश शेयर करूँगी, वो है दाल मखनी इन ए ईजिएस्ट वे। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यम, और जल्दी से बन भी जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काली दाल, ये है ब्लैक उड़द दाल, इसको मैंने रात भर सोक किया है विथ राजमा, इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। अब इसको मैं अच्छे से और एक बार पानी में धो लूँगी, और ये पानी जिसमें मैंने ओवरनाइट सोक किया था इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसको बहुत अच्छे से इस तरह से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डर्ट होते हैं, तो फिर वो आसानी से निकल जाता है। इस तरह से घिस के इसको साफ़ कर लेंगे और फ्रेश पानी में इसको उबालेंगे। दाल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, ये एक कप दाल है। इसके लिए मैंने पानी चढ़ाया है, इस यहाँ पे 3 कप पानी है, पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये है चॉप्ड गार्लिक, इसमें से कुछ मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी जैसे ही आ जाएगा इसमें वैसे ही हम सिम कर देंगे इसको, और 15 मिनट तक इसको सिम पे रखेंगे। 15 मिनट तक मैंने दाल को प्रेशर कुक कर लिया, उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है। दाल अच्छे से गल चुका है, ये देखिए साथ में राजमा भी अच्छे से गल चुका है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेसिंग में। पैन मैंने चढ़ा लिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, वाइट ऑयल है ये। डालूँगी मैं बटर, ये है दाल मखनी, सो इट्स ऑल अबाउट बटर। बटर मेल्ट होते ही इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भूनेंगे जब तक ना इसमें से रॉ फ्लेवर चला जाए, इसको कलर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी, 1 कप मैंने टोमेटो प्यूरी लिया है। इसको अब बहुत अच्छे से पकाएंगे, इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल ऊज आउट ना होने लगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक मैंने ढक्कन ढक के इसे पका लिया है, अब ढक्कन हटा के चेक कर लूँगी, इसमें से ऑयल ऊज आउट होने लगा है, ये तैयार है। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। अब इसमें मिलाऊंगी दाल। इसमें मैं मिला दूंगी पानी, मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। ये जितना ज़्यादा कढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, इसीलिए पानी मैंने ज़्यादा से डाला है। अब इसमें डालूंगी मैं नमक, नमक ज़रा एहतियात से क्योंकि आगे और भी बटर डालेंगे इसमें, बटर में नमक होता है। अब इसे ओपन पॉट में छोड़ देंगे, इसे ढकेंगे नहीं, जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आधे घंटे तक मैंने दाल को पकने के लिए छोड़ दिया था, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और बटर। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर। इसको अच्छे से मिला लूंगी। दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी है, अब इस स्टेज पे मैं लगाऊंगी ये गार्लिक वाला तड़का, ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
तड़के के लिए पैन मैंने चढ़ा लिया है, इसमें मैंने व्हाइट ऑयल डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। गार्लिक ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम दाल में ऊपर से पोर कर देंगे। अब इसे 10 मिनट तक और पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर इसमें चला जाए। 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर चले गए हैं और इसी के साथ बनके तैयार है दाल मखनी। तो बनके तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, वो भी कम मेहनत में। इसे ज़रूर बनाइए और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके कोई भी थॉट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।